पहले एक बात बताऊं मैं आपको, आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट सुनने में मुश्किल लगते होंगे। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आप सुनते होंगे जो टेक्निकल लगते होंगे, पता नहीं कितने एडवांस लेवल का कंसेप्ट होगा, हमें अभी हो सकता है समझ ही ना आए, जब तक हम उन कंसेप्ट्स को इस चैनल पर कवर नहीं करते। एक बार अगर मैंने किसी भी कंसेप्ट को क्लियर किया ना, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं इस तरीके से समझाऊं कि एक बच्चे को भी समझ आ जाए। और जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना एक कंसेप्ट, उतना है नहीं। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, आप लोग बहुत बार कमेंट्स में लिख चुके हो कि आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, एंड पता नहीं लोगों को लग रहा होगा कितना हाई लेवल कंसेप्ट है, हो सकता है हमें समझना है। मैं आपको बोलूंगा एक ही बात, आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो एक बार लगता है ना कि मुश्किल है, मैं ठीक है कुछ आपके लिए ना थोड़ा सा मुश्किल कर ही देता हूँ। थोड़ा सा हम कुछ मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं इजी कर दूंगा, ये मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए ना कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपको इनके आंसर देने हैं। 89 डिवाइड बाय 144, अपना कैलकुलेटर खोल लीजिए और ज़रा आप कैलकुलेट कीजिए कि अगर आप 89 डिवाइड करते हैं 144 से तो आपका आंसर क्या आता है। उसके बाद 233 को आप डिवाइड कीजिए 377 से, एंड देन 610 डिवाइड बाय 987। अब चेक कीजिए आपका आंसर क्या आ रहा है। आप कहोगे यार इन तीनों का आंसर सेम क्यों आ रहा है, 0.618, बट ये नंबर्स तो बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स आपको नहीं सिखा रहा, मैं आपको कुछ और भी ज़्यादा स्ट्रांग सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको लग रहा होगा भाई ये तो जादू सा हो गया कि इन सबका नंबर एक ही क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमने किया, हमने अभी एक फिबोनाची रेशियो के ऊपर बात करी है, और अभी ये क्या है, ये एक तरीके से नेचुरली जनरेटेड मैथमेटिकल रेशियोज हैं। ये नेचुरली क्यों है मैं आपको बताना चाहूँगा। 13th century में लियोनार्डो फिबोनाची ने ये नंबर्स आपके लिए इंट्रोड्यूस करे थे। वेल रिसर्च तो इनके ऊपर इंडिया में पता नहीं कब से चल रही है, पर ठीक है कोई ना कोई आके नाम ले जाता है। तो जिस इंसान ने इसे इंट्रोड्यूस किया, इटालियन मैथमेटिशियन थे लियोनार्डो फिबोनाची, तो उन्होंने क्या किया मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने 0 और 1 को लिया, इसके बाद क्या किया उन्होंने, बस इसके बाद ये प्लस करते चले गए। अब एग्जाम्पल आप मेरे साथ करेंगे, अगर 0 और 1 को मैं प्लस करूँ, सम करूँ, तो क्या आएगा हमारे सामने, आंसर आएगा 1। 1 और 1 को सम करूँ तो आंसर आएगा 2। इसी तरीके से 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 5 plus 3 8, 8 plus 3 13, 13 plus 8 21, 21 plus 13 34, 34 plus 21 55, 55 plus 34 89 and so on। अब ये जो आपने किया, ये आपने एक सीरीज बना दी, इसे हम आप कह सकते हो फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची नंबर्स भी बोलते हैं। अब इन नंबर्स के अंदर देयर इज अ मैजिक। अ मैजिक क्या है कि अगर आप जैसे अभी हमने किया, अभी अगर आप यहाँ पर सेम ले लेंगे, 13 को 21 से डिवाइड कर देंगे या 21 को 34 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर सेम आएगा। अब ये जो नेचुरल प्रोसेस है ना, ये नेचुरल क्यों बोली जाती है, क्योंकि नेचर भी इसे फॉलो करता है। अगर आप रैबिट की, खरगोश की ब्रीडिंग साइकिल भी देखेंगे तो वो भी फिबोनाची नंबर्स को फॉलो करती है। अगर आप फूलों को देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि जो फूलों की पत्तियाँ होती है, जो पेटल्स होते हैं, वो हमेशा कोई ना कोई फिबोनाची नंबर होगा। कभी भी किसी फूल में 4 पत्तियाँ नहीं दिखेंगी, 6 नहीं दिखेंगी, या तो आपको 3 दिखेंगी, या तो 5 दिखेंगी, या तो 8 दिखेंगी, या 13 दिखेंगी। कहने का मतलब क्या है, आपको हमेशा, आप गिन लीजिएगा, आज आप एक रोज लेकर आइएगा, गुलाब लेके आइएगा, पत्तियां गिनेगा, she loves me, she loves me not, कहने का मतलब है यू विल गेट अ फिबोनाची नंबर एट द एंड। सो नेचर इज अ फॉलो करता है। अगर आप पाइनएप्पल के कोन्स भी देखेंगे तो वो भी फिबोनाची सीक्वेंस को ही फिबोनाची नंबर ही होगा, पाइनएप्पल्स के टोटल नंबर ऑफ कोन्स, तो वो भी आपको उसी तरीके से दिखने वाले हैं ना, हो क्योंकि ये नेचुरल है। एक चीज देखी गई, अगर नेचर इसे फॉलो करता है तो क्या ये नंबर्स, क्या ये रेशियोज स्टॉक मार्केट में भी फॉलो हो सकते हैं? एंड आंसर इज यस। स्टॉक मार्केट में जब इसे अप्लाई किया गया तो हमारे सामने आए कुछ गोल्डन रेशियोज। अब ये गोल्डन रेशियोज आपको समझना बहुत जरूरी है। अभी स्टार्टिंग में बस आप ये जो मैं आपको यहाँ पे रेशियोज बता रहा हूँ ना, इन्हें समझ लीजिए। इसके बाद हम जब थोड़ा सा आगे बात करेंगे, आपको सारी चीजें समझ आने लग जाएंगी। यहाँ पर 0.236, अगर आप रेशियो को, अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो होगा 23.6%। सिमिलरली 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, अभी 786 बड़ा अच्छा नंबर लगेगा लोगों को। यहाँ पर देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अलग अलग, आपके पास होता है डीमेट अकाउंट हो, तो किसी आपको आपके अकाउंट में ये नंबर्स दिखेंगे, कहीं पर आपको ये परसेंटेज दिखेगी, बोथ आर सेम, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप प्लॉट करते हो। तो देखिए
मैं आपके सामने यहाँ पर अपस्टॉक्स पर लॉगिन कर लेता हूँ सो दैट आई कैन शो यू एग्जैक्टली। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची प्लॉट करता हूँ जैसे आपके सामने किया भी हुआ है, तो ये देखिए मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। आप सिंपली यहाँ पर जाते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आप इसे ले लेते हैं। एंड एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मान लीजिए ये आपने लो पॉइंट लिया, ये आपने हाई लिया और आपने लो और हाई को जोड़ दिया एग्जाम्पल के लिए, तो आपके पास जस्ट आपको ड्रॉप करना है इसके बाद, यस लाइक दिस। इसके बाद आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, आपको यहाँ पर बहुत सारे रेशियोज दिखेंगे। अब ये रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेशियोज अगर आपको समझ आ गए तो दिस इज एवरीथिंग जो आज हम आपको समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेशियो समझिए, ये जीरो है, यहाँ पे वन है, तो मतलब जीरो आप यहाँ मान लीजिए 100% हो गया, तो अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूँ तो 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% एंड देन 100% एंड ये गोल्डन रेशियोज हैं। तो फिलहाल के लिए ये समझना काफ़ी है, यहाँ पर परसेंटेज नहीं है, यहाँ पर रेशियोज हैं। तो किसी आपको डीमेट अकाउंट में रेशियो देख सकता है, किसी में आपको परसेंटेज देख सकता है, बोथ आर सेम, तो कन्फ्यूज नहीं होना, ये सबसे बड़ी चीज है। अब यहां पर अगर आपको गोल्डन रेशियो समझ आ गया, अब हम आगे बढ़ेंगे। आपको यहां पर यह समझना है कि अगर आपको फिबोनाची यूज करना है तो यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ट्रेंड कौन सा है, आपका यहां पर मार्केट को लेकर विजन क्या है, आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, आपको दिख क्या रहा है। अब आप ट्रेंड आइडेंटिफाई दो तरीके से इजीली कर सकते हैं, एक तो आप प्राइस एक्शन से कर सकते हैं और दूसरा आप पीसीआर के थ्रू भी कर सकते हैं। पीसीआर क्या होता है, पुट कॉल रेशियो। हमने PCR के ऊपर, डेटा के ऊपर किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, हमने बहुत बार बात करी भी हुई है, तो इस वीडियो में भी हम थोड़ा बहुत क्लियर कर देंगे आपके लिए। सो अगर आपको अप ट्रेंड दिखता है, एग्जांपल आपको PCR भी पॉजिटिव दिखता है, चांसेस है मार्केट ऊपर जाएगी, तो अगर PCR पॉजिटिव है तो आप ट्राई करोगे मार्केट में सपोर्ट आइडेंटिफाई करने की। और अगर आपको सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है, क्यों करना है, देखो आप देख रहे थे प्राइस ऊपर जा रहा है, अब आप क्या आइडेंटिफाई करना चाहते हो, आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि भैया कहां पर जाके प्राइस सपोर्ट लेगा, क्योंकि यू कैन बाय बैक, आप यहां पे दोबारा बाय कर सको। सो अगर आप मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो आप जब फिबोनाची को प्लॉट करोगे तो आप लो टू हाई करोगे। अब वो करना क्या होता है, बड़ा सिंपल है, मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें यहाँ पर दो पॉइंट चाहिए, एक हमें लो चाहिए, एक हमें हाई चाहिए। अगर मैं सिर्फ 11 बजे तक की बात करूँ, यहाँ पर देखिए 11 बजे तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास दिन का लो ये था और दिन का हाई ये था। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर फिबोनाची लूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर लो से हाई को कनेक्ट कर दूंगा। अगर मैंने लो से हाई को जोड़ दिया तो अब मुझे क्या पता लग जाएगा, मुझे ये पता लग जाएगा यहाँ पर कि मेरे पास जो रेशियोज हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। इससे मुझे रिट्रेसमेंट और सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगी। सो अभी हमने क्या किया, हमने लो से हाई किया, बट एग्जाम्पल आप हाई से लो करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो और उससे आप रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो। एग्जाम्पल आप कहीं का भी ले सकते हो, अभी मैं सेम अगर एग्जाम्पल लेना चाहूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए। सो अगर मेरे पास हाई ये है और मेरे पास लो ये है, तो मैं इस हाई से लो यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा एंड मेरे पास यहाँ पे फिबोनाची प्लॉट हो जाएगा जो कि मुझे हेल्प करेगा रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में। अभी तक आप सुनते जाइए क्योंकि अभी मैं इसे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये मैं अकेला नहीं करने वाला, इसके लिए आज हमारे पास एक स्पेशल ट्रेनर है जिनकी आप बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कॉमेंट्स में। सो आज हम फिबोनाची को डिटेल में समझने वाले हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर नितिन मोरारका। सो हियर वी गो। सो हेलो एवरीवन, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं One and only Mr. Nitin Murarka. So, sir, आपका स्वागत है हमारे Go Self Made Show पर एंड आपने टाइम निकाला आज हमारी ऑडियंस के लिए। सर, बहुत टाइम से ऑडियंस डिमांड कर रही थी कि नितिन जी को बुलाइए, दोबारा बुलाइए। सो आज आप ऑन डिमांड आए हैं आज लोगों से मिलने, मैं आपको एक्चुअल बताना चाहूंगा। देखिए पुष्कर जी, डिमांड तो आपने बना दी है, कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से आपने लोगों को समझाया है, लोगों को उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स, तो अपने आप डिमांड क्रिएट हो रही है और अच्छी बात है कि व्यूअर्स कॉन्सेप्ट को पसंद कर रहे हैं और बार बार मुझे बुलाने के लिए आपको बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन ऑन योर चैनल पुष्कर जी। नितिन जी, एक जैसे कि हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे लोगों के साथ एंड आप तो खैर, मैं एक्चुअली आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज मैं ट्रेड कर रहा था तो उसमें मुझे कुछ सवाल, उसमें मैंने नितिन जी को फोन किया और उनकी टिप्स पर होता है सब कुछ, मतलब कुछ भी पूछ लो। मैंने फोन किया, मैंने कुछ पूछा और मतलब ऐसा कि जैसे वो खुद वो चीज खोल के बैठे हुए हैं एंड
ऑन द स्पॉट उन्होंने मेरे जो क्वेरी थी उसका सोल्यूशन दिया। सो हमने डिसाइड किया कि क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो सर आज फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर हमने जो टॉपिक डिसाइड किया है, वी वांट जब लोग ट्रेड करें, क्योंकि आप तो कई सालों से ट्रेड कर रहे हैं और आप उसे खुद यूज करते हैं अपने सेटअप में, आपने बताया मुझे, तो आज आप किस तरीके से रियलिटी में, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट अगर हम सिर्फ थ्योरी की बात करें सर तो इंटरनेट पर थ्योरी तो लोगों को बहुत जगह मिल जाएगी, बट किसी कॉन्सेप्ट का जो प्रैक्टिकल यूसेज है ना वो लोगों को जानना बहुत जरूरी है। सो आपसे टाइम लेने का मेरा मेन पर्पस होता है कि हम लोगों को प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन कि जो चीज उनके काम आए जिससे उनके प्रॉफिट बने। सो सर फिबोनाची को आज आप कंप्लीटली किस तरीके से आप खुद यूज करते हैं एंड लोग किस तरीके से अपने ट्रेडिंग सेटअप में इनकल्केट कर सकते हैं वो बताइए। देखिए पुष्कर जी, फिबोनाची रेशियो है, इसे हम गोल्डन रेशियोज भी बोलते हैं, यानी कि ये ऐसा रेशियोज है जो मार्केट में लेवल्स बहुत अच्छा काम करती है, और खास तौर से आप एंट्री के लिए इसे यूज कर सकते हैं, और मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स काफी फ्रीक्वेंटली यूज करता हूं, और मैं इसकी प्रैक्टिकलिटी एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे हम यूज करते हैं और क्या इसमें ध्यान रखना चाहिए, कौन से रेशियोस पे हमें एंट्री करनी चाहिए, कौन सा रेशियो डेंजर रेशियो है, कौन सा रेशियो सेफ रेशियो है, ये अगर हम जान जाए तो हमारी एंट्री और एग्जिट बेटर हो सकती है। बाकी इसकी कैलकुलेशंस और डिटेल में थ्योरेटिकली आप एक्सप्लेन कर दे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप काफी अच्छा एक्सप्लेन कर पाते हो, तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बताता हूँ कि इसे हम कैसे यूज करेंगे और इस रेशियो में क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ रेशियोज पे, और आज के डेटा से ही हम इसको डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपके सामने निफ्टी का आज का मैंने ये ग्राफ खोला है, निफ्टी का आज का ये मैंने अभी 30 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट आज के ट्रेडिंग डे की है ये। अब नॉर्मली पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मैं किस तरीके से इस रेशियो को यूज करता हूं। इस रेशियो को हम इस तरीके से यूज करते हैं कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि मार्केट में जो इंट्राडे ट्रेंड है ये पॉजिटिव साइड होगा या नेगेटिव साइड होगा। अब वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि आज इंट्राडे ट्रेंड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो जो मेरी मेथोडोलॉजी है, हम पीसीआर रेशियो, पुट कॉल रेशियो, जो हमने कई बार इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, और इसे हम ऑटो ट्रेंडर, एसएमसी ऑटो ट्रेंडर के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, और ये ऑप्शन चेन की कैलकुलेशन है। तो पीसीआर रेशियो से हम ये फाइंड करते हैं कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पुट कॉल रेशियो ग्रेटर देन 1 है, यानी 1.52 है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड आज पॉजिटिव रहेगा, तो हम उसमें बाइंग रिट्रेसमेंट, यानी कि हम ये ढूंढते हैं कि मार्केट ऊपर से कितनी रिट्रेस कर सकती है, और फिर हम सेफ एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। जैसे आज का फॉर एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं, तो आज सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि पीसीआर रेशियो क्या था, और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने ट्रेड लिया, फिर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी समझ लेते हैं। तो जैसे मैं एसएमसी ऑटो ट्रेंडर में आया, यहाँ पे मैं डेरिवेटिव डेटा में गया, और मेरे सामने ये ऑप्शन चेन का डेटा खुला हुआ है, निफ्टी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, और इसमें हम नीचे मैं ड्रैग डाउन कर रहा हूं तो आपको पीसीआर रेशियो दिख रहा है। पीसीआर रेशियो 9:30 पे 1.72 था, 9:45 पे 2.09 है। इसके लॉजिक्स आपको क्लियर होंगे कि किस तरीके से ये हम पीसीआर रेशियो यूज करते हैं। तो बेसिकली 9:30 से 11 o'clock, यानी हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि 9:30 से 11 बजे तक पीसीआर रेशियो पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा। तो 11 बजे तक कंक्लूजन मुझे ये मिल रहा है कि पीसीआर रेशियो 2.83 है, विच इज अ हाईली पॉजिटिव रेशियो, क्योंकि अगर कोई भी रेशियो पीसीआर का मोर देन 2 अगर है तो वो स्ट्रांगली पॉजिटिव रेशियो हम उसे मानते हैं, और अगर 0.5 से नीचे है तो हम उसे नेगेटिव रेशियो मानते हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड आज का मुझे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड मिल रहा है 11 बजे तक। अब मैं फिबोनाची रेशियोज में आता हूं, अब हम चार्ट्स में चलते हैं। ये चार्ट आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, एनी ऑफ द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और एनी ऑफ द टेक्निकल सॉफ्टवेयर, हर जगह ये रेशियोज अवेलेबल होते हैं, और ये इसमें जो रिट्रेसमेंट रेशियोज हैं वो हम किस तरीके से प्लॉट करते हैं, यानी कि 9:15 बजे मार्केट खुली और 11 बजे तक का हाई लो हम फाइंड करते हैं कि इस पीरियड के बीच का लो क्या है और इस पीरियड का बीच का हाई क्या है। अब सपोज मार्केट का ट्रेंड अगर हमें पॉजिटिव लग रहा है तो हम लो से, यानी कि आज का देखिए 9:30 मार्केट खुली, आज के कैंडल की लो वैल्यू मुझे दिख रही है 15,781।
और अगर मैं हाई वैल्यू देखूं 11 बजे तक की, तो ये मुझे मिल रही है 15,907, 907। तो ये हाई लो का हम एक रिट्रेसमेंट, फिबो रिट्रेसमेंट हम प्लॉट करते हैं, और लो से हाई के बीच में मैंने रिट्रेसमेंट प्लॉट किया, करेक्ट। जी अब जो फिबो रेशियोज हैं, जो डिफाइंड रेशियो हैं, वो रेशियो 23.6% रेशियोज हैं। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 38.2 आता है, फिर 50 है, फिर 61.8 एंड देन 70 रेशियो, फिर 100 के आसपास। ये डिफाइंड रेशियो है, ये आपको हर जगह एक कॉमन मिलेगा। अब मेरी जी इसमें अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है जो आपको वैल्यू ऐड कर सकती है इसमें, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि रिट्रेसमेंट मार्केट में नॉर्मली कई ट्रेडर क्या करते हैं, वो 23% या 38% पे एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। बट मेरी जी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि 100 में से 60% और 70% ऑफ द टाइम अगर रिट्रेसमेंट मार्केट में आती है, तो वो नॉर्मली 50% तक रिट्रेसमेंट बड़े आराम से आ जाती है। यानी हमें 38 या 23% पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। और हमें एंट्री कब लेनी चाहिए, 50% से और 60% के बीच के रिट्रेसमेंट में लेनी चाहिए। बट राइट एंट्री कब लेनी चाहिए, मैं आगे और एक्सप्लेन करता हूँ। और द पॉइंट नंबर वन इज कि मार्केट अगर बुल है और वो रिट्रेस कर रही है, तो वो रिट्रेस 50% से 61% के बीच में नॉर्मली कर सकती जी है। नाउ मार्केट रिट्रेस कर गई, आप यहाँ पे देख रहे हो आज के दिन में भी मार्केट रिट्रेस किया, और मार्केट ने 70% तक नीचे रिट्रेसमेंट हो गई। हो सकता है राइट 70% के बाद ये 100% पे रिट्रेस कर जाए, दिस अगेन इज द पॉसिबिलिटी। अब आपको ट्रेड की जी एंट्री कब लेनी है, जब आप फिबो रेशियो यूज कर रहे हैं, तो आपको एंट्री तब लेनी है जब रिट्रेस करने के बाद नेक्स्ट जी कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करती हो। रिट्रेस जैसे जी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये रिट्रेस कर गई, 12 बजे वाली हम कैंडल को देख रहे हैं, 12 बजे वाली कैंडल जो हमें दिख रही है, इसका लो कितना है 15,844, और हाई कितना है जी 15,863, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट कैंडल है, और इस रिट्रेसमेंट कैंडल का अगर हाई ब्रेक हो रहा है कभी भी, तो वो आपकी राइट एंट्री लेवल होगी, क्योंकि पीसीआर पॉजिटिव है, पुट कॉल रेशियो पॉजिटिव है, तो मेरा व्यू क्या है, पॉजिटिव व्यू है। बट एंट्री मुझे कब लेनी है, जब रिट्रेस लेने के बाद अगली कैंडल पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक करती है। जब इस तरीके से राइट आप एंट्री लेंगे, तो आपकी एंट्री में परफेक्शन बहुत अच्छा होगा, यानी कि आपका विनिंग रेशियो काफी ज्यादा होगी, 10 में से 7 से 8 ट्रेड आपके विनिंग होंगे। पॉइंट नंबर टू, आपको स्टॉप लॉस हमेशा छोटा मिलेगा, क्योंकि आप इस कैंडल के ब्रेकआउट पे ले रहे हैं, तो आप पिछले कैंडल जो रिट्रेसमेंट कैंडल है उसके लो का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यानी आप छोटे जी स्टॉप लॉस पे ऑलवेज ट्रेड ले सकते हो। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपका काफी अच्छा होता है, यानी आप छोटे रिस्क पे, यानी आप 30-40 पॉइंट के रिस्क पे 100-100 पॉइंट का गेम आप प्ले कर सकते हो। तो ये राइट रिट्रेसमेंट की बेसिकली थ्योरी है। इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि हमें 38% की बजाय 61 और 70% के आसपास एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए। और स्टॉप लॉस अगर आप उस लेवल पे एंट्री करते हो, तो स्टॉप लॉस आपका 80-85% होगा। वो हम कैसे सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे सॉफ्टवेयर में, अगर मैं एक ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड किया 85% रिट्रेसमेंट लेवल, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे कि 61 के बाद एक 85% का रिट्रेसमेंट लेवल आ गया। यानी जब भी मैं ट्रेड जी लेता हूं, तो मैं नॉर्मली 85% का जो लेवल होता है वहां पे स्टॉप लॉस रखने की कोशिश करता हूँ, सो दैट वोलेटिलिटी में मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो जाए। या अगर हम स्प्रेड्स कर रहे हैं, या एक बुल स्प्रेड्स या बियर स्प्रेड्स अगर बुल कर रहे हैं, तो हम स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें स्प्रेड्स में आपका रिस्क कम होता है। बट और बेटर एंट्री अगर आपको लेनी है, तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि रिट्रेसमेंट कैंडल के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल इनगल्फ कर रही है, इनगल्फ का मतलब प्रीवियस कैंडल को खा रही है, इनगल्फ कर रही है और प्रीवियस जी कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है, तो वो और भी अच्छी एंट्री आपको देती है। तो इस तरीके से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को यूज करके इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एंट्री लेकर के ट्रेड कर सकते हो, और इसमें आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो काफी बेहतर होता है। सर, अब कुछ लोगों के सवाल होंगे तो वो मैं आपसे पूछता हूं और आप उन्हें क्लियर करते जाइएगा। पहली बात तो अभी आप 30 मिनट्स की कैंडल पे काम कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, आई डो नॉट नो, ज्यादातर लोगों की अगर मैं बात करूंगा तो वो ये सवाल पूछते हैं कि हमें
क्या 30 मिनट्स पे देखना चाहिए, 15 मिनट्स पे देखना चाहिए, 5 मिनट्स पे देखना चाहिए? सो आप क्या करते हैं और आप लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए 15 मिनट, 5 मिनट और 30 मिनट में फर्क क्या है, एक बार हम यहीं पे समझ लेते हैं। अब सपोज मैंने 5 मिनट की कैंडल अभी लगा दी, अब 5 मिनट की कैंडल हम लगाएंगे तो हमें काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट कई बार होगा, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल में मार्केट में एक रेड कैंडल बनेगी, दो ग्रीन बनेगी, फिर अचानक से रेड बनेगी, तो उसमें क्या चॉपिनेस में आपके ट्रेड कई बार इमोशनली आपसे एग्जिट हो जाएंगे, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगर हम 5 मिनट कैंडल को भी यूज कर रहे हैं तो हमारा लॉजिक क्या है, हम रिट्रेसमेंट हाई लो हमारा वही मिलेगा। अगर आप 5 मिनट यूज कर रहे हैं तो 9:15 से 11 बजे के बीच का हाई और लो, आइदर आप 30 मिनट यूज करो या 15 मिनट यूज करो या 5 मिनट यूज करो, हाई और लो तो हमारा एक ही रहेगा, तो हमारा जो रिट्रेसमेंट लेवल्स निकलेंगे वो भी एक ही निकलेंगे, उसमें भी कोई डिफरेंस हमारा लेवल्स वाइज भी नहीं आएगा। तो बट यहाँ पे हमें एंट्री में खाली दिक्कत होगी, जैसे मैंने 30 मिनट पे आपको अभी दिखाया था जो एंट्री होगी, ये जो पॉइंट है रिट्रेसमेंट पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट कैंडल 30 मिनट की बनती है वो एक दिक्कत कर सकती है, क्योंकि जब आप 5 मिनट में एंट्री लोगे तो हो सकता है 5 मिनट की पॉजिटिव कैंडल बने, अगली नेगेटिव कैंडल बन जाए, फिर पॉजिटिव बने, फिर नेगेटिव बन जाए, तो वहां एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। बट जब आप 30 मिनट की कैंडल यूज करोगे तो 30 मिनट के कैंडल में एक 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 पूरा का पूरा इनगल्फ कर रहा है अगर प्रीवियस 30 मिनट को, तो उसको हम ज्यादा वैलिड कैंडल मानते हैं। और मैंने पर्सनली भी ये ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, अगर हम जितना कम टाइम फ्रेम रखेंगे हम उतना ट्रेड को छोटा होल्ड कर पाते हैं। अगर मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि नहीं मुझे 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है और कम से कम 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट लेना है, तो इन दैट केस मुझे थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम इंट्राडे में यूज करना पड़ेगा, यानी कम से कम 15-30 मिनट। और जब मेरा ये विजन है कि नहीं मुझे 10 पॉइंट स्टॉप लॉस रखना है और 15-20 पॉइंट खाना है, तो हो सकता है आप 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो। बट जो मैं ट्रेड करता हूँ, मेरा ये विजन होता है कि नहीं 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट लें और 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड को होल्ड करें, तो उस केस में 30 मिनट ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल मेरे ऑब्जर्वेशन में रही। सर अब मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने सुबह से मार्केट ऑब्जर्व करा, आपने 30 मिनट की कैंडल्स बनने दी, 9:30 बजे देख लिया, 10 हो गया, 10:30 हो गया, आपने 11 बजे तक मार्केट को ऑब्जर्व किया, आप कितने बजे तक मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं बिफोर यू टेक द ट्रेड? देखिए नॉर्मली मैं मार्केट में 9:15 से 10:30 तक डेटा बनने देता हूं, कि डेटा जो भी फालतू की उठापटक होती है वो आप देखेंगे हमेशा मार्केट में 9:15 से 10:30 तक हो जाती है, ओपनिंग चॉपिनेस खत्म हो जाती है, और तब तक एक डेटा भी बन जाता है, पीसीआर का भी डेटा बन जाता है, पुट कॉल रेशियो भी हमें दिखने लग जाता है कि हाँ भाई रेशियो 1 है 2 है, हाउ द रेशियो इज मूविंग, रेशियो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है या रेशियो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो एक फेयर आइडिया लगने लग जाता है कि किस तरीके से डेटा बन रहा है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन में मैं 9:15 से 10:30 तक मैं जस्ट डेटा को ऑब्जर्व करता हूँ, और फिर 10:30 से 11 के बीच में मैं फिर ट्रेड ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा रहा हूँ और डेटा को स्टडी कर रहा हूँ, अपने जो पॉइंटर्स हैं उसको मैं चेकलिस्ट को क्रॉस चेक करता हूँ कि 10:30 से 11 के बीच में बेसिकली वर्किंग टाइम होती है मेरी, कि मैं चेकलिस्ट देख रहा हूँ कि जो अदर चेकलिस्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल विक्स है, कि विक्स क्या कर रही है, विक्स ऊपर है, विक्स नीचे है, बैंक निफ्टी का डेटा किस तरीके से है, ये सब स्टडी करने के बाद फिर 11 बजे एक कंक्लूजन पे आता हूँ कि हाँ भाई आज मार्केट में मुझे बुल बन के प्ले करना है या बियर बन के प्ले करना है। फिर मैं मार्केट में उस हिसाब से ब्रेकआउट्स होता है तो ब्रेकआउट्स पे एंट्री करता हूँ, या रिट्रेसमेंट होती है तो रिट्रेसमेंट पे एंट्री करता हूँ, इस तरीके से मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है। तो सर अभी मान लीजिए आपने डेटा बनने दिया, मैं कहता हूँ 11 बजे तक भी डेटा बनने दिया, तो जैसे आपका ये वाला एग्जाम्पल था कि आपको एक लो मिल गया, आपको एक हाई मिल गया और आपने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट कर दिया, तो आपने सबसे पहले लोगों को यहाँ पर बताया कि आपने सबसे पहले पीसीआर देखा कि उस वक्त पीसीआर पॉजिटिव है, आपका जो ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर है वो बाय सिग्नल दे रहा है या सेल सिग्नल दे रहा है, आपने सबसे पहले देखा। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि मान लेते हैं ऑटो ट्रेडर सेल सिग्नल दे रहा होता, आपका डेटा नेगेटिव होता, तो आप इसे रिट्रेसमेंट को किस तरीके से प्लॉट करते? अभी आप यहाँ पे सपोर्ट लेवल देख रहे थे बाय करने के लिए, तो आप रेजिस्टेंस लेवल किस तरीके से निकालते, वो क्योंकि लोगों को जानना जरूरी है, तो आप एक बार वो भी बताइए। देखो सर, जैसे एक तो हमने व्यू बना लिया कि मार्केट में क्या व्यू बन रहा है और वो पीसीआर डेटा के थ्रू ले लिया, तो अगर वो पॉजिटिव है तो हम
मार्केट में ये देखते हैं कि हाई लो है और हाई लो से नीचे कितना आ सकता है, कितना रिट्रेसमेंट होगा और वहां पे हम एंट्री करने की कोशिश करते हैं। वहीं सपोज कीजिए उल्टा होता, यानी मार्केट में पीसीआर डेटा नेगेटिव होता और व्यू ये बनता कि मार्केट नीचे गिर सकती है, तो उस केस में हम ये देखते हैं कि मार्केट का जो लो है और वो हाई है उसको रिवर्स हमें देखना होता। रिवर्स ये देखना होता कि नीचे से ऊपर कितनी बाउंस कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे आपको मैं और किसी दिन का डेटा में लेके चलता हूँ। तो ये एक ऐसा एग्जांपल हम देखने की कोशिश कर रहे हैं जिस दिन पीसीआर का डेटा ओपनिंग से नेगेटिव था, और फिर जैसे सपोज जब डेटा पॉजिटिव होता है तो हम बेसिकली ये देखते हैं कि नीचे से ऊपर गई है मार्केट और कितनी नीचे आ सकती है। जब पीसीआर का डेटा नेगेटिव है, यानी कि पीसीआर का रेशियो इज लेस देन वन, तो व्यू नेगेटिव है हमारा, लग रहा है मार्केट गिरेगी, तो उस केस में सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि 9:15 बजे से लेके 11 बजे तक का हाई और लो क्या है। तो ये देखिए ये हाई कितना है 15,864 जी, और 11 बजे तक का मेरा कितना आ रहा है लो 15,706 करेक्ट right. तो right. हम रिट्रेसमेंट इसमें ये हाई है मेरा और ये जी. है मेरा लो करेक्ट जी, ये जी. है मेरा लो। अब मैंने ये रिट्रेसमेंट right. यहाँ पे प्लॉट कर दी, ठीक है जी. अब रिट्रेसमेंट के हिसाब से मार्केट में बाउंस, मैक्सिमम बाउंस आना चाहिए था, जो मतलब ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, मार्केट में बाउंस आया, बट बाउंस ये 23% रिट्रेसमेंट तक ही आया। आप देखिए रिट्रेसमेंट कितना हुआ, 23% हुआ। एज अ रूल हम क्या करते हैं, हम 50% के आसपास एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, बट कई बार क्या होगा मार्केट में हो सकता है 50% रिट्रेसमेंट न भी आए, तो उस केस में मार्केट पहले ब्रेक डाउन दे देती है, तो उसका मतलब ये हुआ कि मार्केट आज कुछ जरूरत से ज्यादा ही वीक है, इसलिए वो रिट्रेस नहीं कर पा रही और ब्रेक डाउन दे दे रही है। तो ऐसे में हम लोग ट्रेडिंग में क्या करते हैं, एग्रेसिवली उसी लेवल पे एंट्री कर जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि रिट्रेस आया नहीं और पीसीआर मेरा डेटा भी हम ट्रैक करते रहते हैं, वो अचानक से पीसीआर में और ज्यादा डेटा नेगेटिव हो गया, तो वो हमें कंफर्मेशन दे देती है कि अच्छा ये पीसीआर और नेगेटिव हो गया, इसलिए रिट्रेसमेंट आने की प्रोबेबिलिटी कम है, मार्केट ज्यादा वीक है और वो ब्रेकडाउन हो गई। अब ये देखिए ये आपको एंट्री बनती थी 11:30 बजे, ब्रेकडाउन जैसे हुई और उसके बाद आप देखिए यहां से मार्केट कम से कम भी तो 300-400 पॉइंट का फॉल उस दिन मार्केट में हमें मिला, ठीक है right. तो इसका मतलब मार्केट ज्यादा वीक है इसलिए वो रिट्रेस नहीं कर पाई। तो हम दो टूल यूज कर रहे हैं, एक तो पीसीआर को यूज कर रहे हैं, वहां पे लगा कि नहीं डेटा बहुत ज्यादा वीक हो रहा है तो आप ब्रेकडाउन को फटाक से खेल सकते हो, और अगर वहां पे डेटा वीक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि रिट्रेसमेंट आएगा, आप रिट्रेसमेंट पे एंट्री कर लो जी। तो सर ये तो एक ऐसा सिनेरियो हो गया कि मार्केट गिरती चली गई, बट जनरली ऐसा भी होता है गिरती है तो एक बार ऊपर भी आती है तो रिट्रेस होती है जनरली जो हम देखते हैं। तो एक और एग्जांपल हम कुछ ले सकते हैं रिट्रेसमेंट दिखाने के लिए भी। एक और एग्जांपल हम लेकर के देखते हैं और इसे हम समझते हैं कि किस तरीके से एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट लेवल्स निकले हैं पुष्कर जी। तो ये डेटा है मेरा 22 तारीख का, ठीक है, और इसमें जैसे मार्केट में 22 को भी ओपनिंग के बाद पीसीआर नेगेटिव था, और जब पीसीआर नेगेटिव रहेगा तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव, हम ये ढूंढेंगे कि मार्केट में बाउंस पे हमें पुट खरीदना है या बाउंस से गिरने के चांसेस हैं। अब जैसे फर्स्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं कि 9:30 बजे से 11 बजे के बीच का हाई लो क्या है, तो हाई मेरा कितना आ रहा है, हाई आ रहा है 15,549 बेसिकली 550 के आसपास, 550 का आ रहा है, और लो देखेंगे तो लो 11 बजे तक का लो मुझे मिल रहा है 15,426 का, करेक्ट जी। तो जी, मैं रिट्रेसमेंट प्लॉट करता हूँ हाई से लो, क्योंकि पीसीआर नेगेटिव है तो मैं हाई से लो लूंगा और पीसीआर पॉजिटिव होगा तो लो से हाई लूंगा। अब आप अब ये देखिए ये 100 नीचे आया, अब देखिए एग्जैक्टली ये 70% तक आया घूम के 15,510, 70% हम देख रहे हैं, यहीं पे हमें एंट्री लेनी है, और एंट्री कब लेनी है, जब अगली कैंडल रिवर्सल कैंडल बने, यानी इसको इंगल्फ कर जाए अगर, तो वो राइट भी कर रही है, तो आप देखिए 70% पे रिट्रेस करके इंगल्फ कर रही है, तो ये बहुत ही अच्छी राइट एंट्री है। अब यहाँ पे इसमें स्टॉप लॉस 100 पे रखूंगा, हाँ बिल्कुल 100 पे, 15,848 पे स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके बाद आप देखेंगे तो उसके बाद तो ये लो मार्केट, और एंट्री मैंने रेड वाली कैंडल पे ही करनी है ना, रेड पे ही करनी है। कई बार ऐसा भी होगा
कि ये रिट्रेस करता चला जाए, हो सकता है ट्रेंड ही चेंज हो जाए और रिट्रेस करके ये 100% को भी क्रॉस कर जाए, तो वो रिट्रेसमेंट में रिस्की होती है। कई ट्रेडर्स ऐसा करते हैं कि वो रिट्रेसमेंट पे 70% पे ले लेते हैं, 50% पे ले लेते हैं, बट मेरी जो फाइंडिंग है कि हमें रिट्रेस हो गया इसका मतलब वहां पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए, रिट्रेस होकर रिवर्सल हो तो एंट्री लेनी चाहिए। उससे क्या आपकी कंफर्मेशन हो जाती है कि नहीं जो मेरा रिट्रेसमेंट है वो वैलिड है और वहां से मार्केट रिवर्स कर रहा है, करेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे ये इनगल्फिंग बन गई, यानी इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने पूरा खा लिया, इनगल्फ कर गया जी। तो ये बेस्ट एंट्री हो गई, इस पे आप एंट्री कर लो, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, 100% पे स्टॉप लॉस है, और यहाँ से आप देखेंगे तो उसके बाद मार्केट कम से कम 100 पॉइंट गिरी है, लो देखेंगे तो 15। सर मेरा वैसे जो जनरल टारगेट होगा वो तो 0% पे ही है ना, जो मेरा फर्स्ट टारगेट है जो, हाँ फर्स्ट टारगेट आप 0% पे रख सकते हैं, बट नॉर्मली अगर एक्चुअली फर्स्ट टारगेट तो मैं 0 नहीं रखूंगा, मेरा पहला ये होगा कि अगर मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं कैसे ट्रेड करूंगा, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा तो, कि मान लेते हैं मैंने जो एंट्री ली 70% पे ली, तो 70% से जैसे ही वो आपका ऑलमोस्ट 50% पे गई, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरा स्टॉप लॉस 100 पे था वो मैं 70% पे ले आऊंगा, ट्रेलिंग खेलूंगा। ये भी राइट है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि 70 है, इसके बाद मैं क्या करूंगा कि अगर और मार्केट गिरता 38.2% पे आ जाता है तो जो मेरा स्टॉप लॉस था उसे मैं 50% पे ले आऊंगा, और उसके बाद अगर 23.6% पे आएगा तो स्टॉप लॉस को 38.2% पे ले आऊंगा, और 0% पे आएगा तो स्टॉप लॉस को 23.0% पे ले आऊंगा। ये मेथड भी ठीक है, इसमें हम एड ऑन ये भी कर सकते हैं कि आप जहां पे स्टॉप लॉस रिवाइज कर रहे हो ना, वहां पे आपके अगर 10 लॉट हैं तो एक एक दो दो लॉट प्रॉफिट भी बुक किया जा सकता है, कि चलो थोड़े प्रॉफिट बुक हो गए और थोड़े में स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हो गई हमारी, तो ये मेथड भी कर सकते हैं। और जो आप मेथड कर रहे हो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रेशियोज वाइज घटा रहे, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि हम स्टॉप लॉस 70% बाइंग प्राइस पे कर देते हैं और ट्रेंड को राइड करते हैं, यानी कि फिर अगर ये 23 या 0 तक आ जाती है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और फिर अगर और नीचे गई तो हम उसको राइड कर लेते हैं ट्रेड। ओके, तो सर ये मेरे हिसाब से काफी हद तक लोगों को समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स निकाल सकते हैं, एंड आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए PCR को यूज कर सकते हैं, जो कि नितिन जी ने बताया। तो अगर आपको ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर यूज करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, सो आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सर आज अगर हम बात करें, आपने जो ये इतना लोगों को लगता है कि पता नहीं मैं फिबोनाची को समझ पाऊंगा नहीं पाऊंगा, और स्टार्टिंग में लोग इस टॉपिक को अवॉइड भी करते हैं, कई लोगों को मैंने बात करी तो कई ट्रेडर्स कहते हैं नहीं ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मुझे ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे हिसाब से तो ये बड़ा सिंपल है, अगर इसे यूज किया जाए तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से पता लग रहा है इससे। देखिए पुष्कर जी, खाली नाम ही कॉम्प्लिकेटेड है और बोलने में भी कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज देखें तो कुछ भी नहीं है, नंबर्स हैं, वो बड़ी सिंपल चीज है, सिंपल चीज का नाम कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लगता है। बिल्कुल, तो आपने आज सर लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड चीज को आसान बना दिया, तो मुझे लगता है इससे लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। इनफैक्ट आप लोग नितिन जी से भी जुड़ सकते हैं, नितिन जी आपसे लोगों को जुड़ने का क्या तरीका है ये भी बता दीजिए आज लोगों को। देखो सर, मेरे साथ जुड़ने के लिए एक प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, प्रीमियम टेलीग्राम चैनल विद सीए नितिन मुरारका, जिसमें मेरे पास करीब 21,000 प्रीमियम मेंबर्स हैं, जहां पे मैं अपनी रिसर्च, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने ट्रेड्स डेली शेयर करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज 6 तारीख का आप देखेंगे तो आज सुबह से ही हम लोग पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे, और ये ट्रेडिंग पूरी PCR रेशियो के बेसिस पे थी, और जो मैंने अभी रेशियोज आपको सिखाया उसी के बेसिस पे हमने ट्रेड लिया था, और ट्रेड में जो हम लोगों ने ट्रेड किया आज वो 15,900 की कॉल ऑप्शन ली थी 80 रुपए के आसपास, जिसकी क्लोजिंग प्राइस आज 150 के आसपास है। प्लस जो भी डेटा हमें दिखते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन मार्केट की दिखती है, जो भी अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स होती है, मैं यहाँ पे शेयर करते रहता हूँ। जैसे आज मार्केट क्यों बढ़ी, तो मतलब 80 से अगर मैं बात करूं तो 150, मतलब मोटा मोटा लोगों का पैसा डबल हो गया बिल्कुल, और उसका हम लॉजिक भी शेयर करते हैं। जैसे आप देखिए 15% ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड इन बैंक निफ्टी, इट ब्रेक्स टुडे हाईस कैन सी शॉर्ट कवरिंग, ये आप 11:14 पे ये कमेंट्री शेयर की हम लोगों ने, उस समय मार्केट 15,864 का भाव था। तो लॉजिक भी हम देते हैं कि भाई क्यों मार्केट बढ़नी चाहिए,
और कई बार क्या होता है मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तो लोग डर जाते हैं, बट जब हम ये डेटा पब्लिश करते हैं तो हमें अंदर से हिम्मत आती है कि नहीं हम राइट ट्रेड में है, राइट डेटा के साथ में है, राइट लॉजिक के साथ में। ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि वो मार्केट की वॉलेटिलिटी में पोजिशन छूट जाती है, लॉस बुक करके भाग जाते हैं, री एंट्री नहीं कर पाते हैं। बट जब आप डेटा को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं तो आपकी राइट एंट्री होती है तो आपको अंदर से हिम्मत होती है कि नहीं मैं स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकता हूं, या मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट होने आ रहा है तो मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूं। जैसे आज के दिन में ट्रेड देखिए, हम लोगों ने ट्रेड लिया फिर स्टॉप लॉस को मॉडिफाई किया क्योंकि मार्केट वोलेटाइल हो रही थी, नीचे आ रही थी, और ये नीचे आई हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ और अल्टीमेटली हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट आज कितनी बंद हुई, 16,018 242 पॉइंट ऊपर बंद हुई, और हम सुबह 107-8 पॉइंट से ही एग्रेसिवली बुलिश थे, और विद अ लॉजिक कि क्यों बढ़ना चाहिए मार्केट। इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप ट्रेड दे दो और उस पर प्रॉफिट या लॉस आ जाए, इंपॉर्टेंट ये है कि हम आपको ट्रेड दे रहे हैं और हम आपको कन्विंस कर रहे हैं कि क्यों हम ट्रेड दे रहे हैं, और आप भी हमारी बात से कन्विंस हो रहे हो कि क्यों ट्रेड लेना चाहिए। तो जब दोनों आदमी का कॉन्फिडेंस मिलता है तो अपने आप ट्रेड अच्छा हो जाता है। सर यहाँ पे एक चीज मुझे मतलब मैं बोलना चाहूंगा, कई बार मुझे ऐसे भी कमेंट आते हैं कि कभी कभी लोगों का स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कोई भी सॉफ्टवेयर है, इनफैक्ट मैं नितिन जी की भी बात करूंगा, तो देखो सर सर भी ट्रेडर हैं, भगवान तो है नहीं कि 100% ही ठीक होंगे, तो ऐसा भी होता है कि अगर आप ट्रेड ले रहे हैं नितिन जी के साथ भी ले रहे हैं तो कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट होगा, और वो हो सकता है आपका 10 में से 1 या 2 बार हिट भी हो जाए, 3 बार भी हिट हो सकता है, बट 7 बार जब प्रॉफिट होता है तो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे भी लोगों ने ट्रेड लिया नहीं लिया। क्योंकि मेरे पास सर कुछ कमेंट्स आए थे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मुझे उस पर फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि कौन से दिन पर ऐसा हुआ, तो कई बार स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तो ये भी हमें लोगों को बताना चाहिए। तो आपको क्या लगता है सर? देखो सर बिल्कुल, क्योंकि क्या है, हम भी एक ह्यूमन है और हम भी डेटा को देख के ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट खुलने के बाद हमें भी नहीं पता होता है कि मार्केट ऊपर ही चली जाएगी, हम एक डेटा को देख करके एज अ रिसर्चर हम एक रिसर्च करके व्यू बनाते हैं, और जिस लॉजिक पे हम ट्रेड कर रहे हैं वो लॉजिक जो है वो 65-70% ही मार्केट में वर्क करता है, क्योंकि कोई भी लॉजिक कभी भी 100% काम नहीं कर सकता। तो अगर 65-70% वर्क कर रहा है तो हम 10 में से 3-4 बार लॉस देंगे ही। तो हमें बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है कि हम छोटे लॉस से निकल जाएं और बड़े प्रॉफिट को राइड करें। दूसरी बात यह होती है कि कोई भी इंडिकेटर अगर आप यूज कर रहे हो तो वो साल में 12 के 12 महीने प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। कुछ ऐसे पीरियड्स आते हैं, महीने 2 महीने ऐसे पीरियड्स आते हैं जब किसी इंडिकेटर की एक्यूरेसी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे पीरियड्स आते हैं, ये पार्ट ऑफ द गेम है, लॉस प्रॉफिट आपका होता रहेगा। बट ये जरूर है कि अदर इंडिकेटर के कंपैरिजन में पीसीआर इज अ लीडिंग इंडिकेटर, आपको बेटर एक्यूरेसी देता है और ट्रेड में बने रहने का काफी हद तक कॉन्फिडेंस देता है। बट आप ये नहीं बोल सकते कि आप इस इंडिकेटर को फॉलो करोगे तो हमेशा प्रॉफिट बनाओगे, लॉस भी होंगे और प्रॉफिट भी होंगे, बट अल्टीमेटली अगर हम पूरे साल इसको फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे। नहीं वो तो सर मुझे पता ही है, बट एक्चुअली होता क्या है कि लोगों के जो एक्चुअल कमेंट्स आते हैं मेरे पास, जो सवाल आते हैं उनका जवाब देना भी बहुत जरूरी है, लोगों की क्वेरीज को हैंडल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब लोग बोलते हैं कि पुष्कर जी आप टिप्स देते हैं, या मतलब मैं क्लियर बोलता हूँ कि भाई मैं कोई टिप्स नहीं देता, मेरे साथ रिसर्चर्स जुड़े हुए हैं जो मतलब आपकी एसएमसी के अंदर इतनी बड़ी टीम है लोगों की, तो मतलब मैं डायरेक्टली उन लोगों को रिकमेंड करना प्रेफर करता हूँ जो एक लॉजिक के साथ लोगों को गाइड कर रहे हैं, रेदर देन कि मतलब मैं बोलूँ कि आपने आज मेरा है, इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं लोग ट्रेड देते हैं बट वहाँ पे लॉजिक नहीं होता। जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि आज ये ट्रेड कर लो प्रॉफिट हो गया नुकसान हो गया तो एक अलग बात हो गई, बट क्यों ट्रेड करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब मेरा भी लॉजिक के साथ ही फोकस ये रहता है कि लोगों को सिखाया जाए, अवेयर किया जाए, एजुकेट किया जाए कि आप जो भी करो, इनफैक्ट आप नितिन जी को भी सुन रहे हो तो आपको पता लगे कि वो जो बता रहे हैं वो आप भी समझते हो नहीं समझते, कि लॉजिक आपको भी समझ आना चाहिए कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो किसी को भी ब्लाइंडली हमने फॉलो नहीं करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। इनफैक्ट सर के टेलीग्राम ग्रुप से बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं, उसके भी हमारे साथ कई बार, मैं तो इनफैक्ट आज ही की बात करूंगा सर, तो मतलब आज भी आपने लोगों का फायदा कराया। इनफैक्ट जब मैं खुद अपनी बात करता हूँ तो मैं नितिन जी से पूछता रहता हूँ, क्योंकि मैं आज नितिन जी से डिस्कस कर रहा था कि सर आप तो कभी रिटायर हो गए नहीं, क्योंकि अगर आप रिटायर भी हो गए नितिन जी कह रहे हैं मैं 7-8 साल और काम करूंगा, बट मुझे लगा कि सर जब तक मार्केट चल रही है और जब तक नितिन जी फोन या लैपटॉप देख सकते हैं तो तब तक तो सर आपकी नॉलेज लोगों के बहुत काम आने वाली है। बिल्कुल सर, और ये ऐसी फील्ड है कि आप जितना पॉलिश करोगे हर दिन आप नया सीखते हो,
और मैं तो हर दिन ट्रेड करता हूँ और हर दिन कुछ नया सीखने मिलता है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मैं सीख रहा हूँ वो व्यूअर्स को भी बताता रहूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँ, ताकि नॉलेज उनके तक भी जाती रहे और वो भी फायदा उठा पाए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सर का जो ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है और जो सर का सॉफ्टवेयर है कंपनी का एसएमसी का ऑर्डर एंट्री, दोनों पेड सॉफ्टवेयर हैं। तो सॉफ्टवेयर पेड है, टेलीग्राम ग्रुप भी पेड है। अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, सो दैट आप रेगुलरली अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम आपको पता हो कि आप लॉजिक के साथ ट्रेड करें, एंड लॉजिक के साथ ट्रेड करेंगे तो तभी प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। अदरवाइज तो सर लोग पता ही नहीं होता कि स्टॉप लॉस रखना क्या है, टारगेट रखना क्या है, एंट्री लेनी क्या है, मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, मार्केट बढ़ेगी कम होगी कुछ, मतलब ज्यादातर नए लोगों को सर ये सब चीजें नहीं पता होती। तो अगर उन्हें गाइडेंस मिलेगी तो बहुत ही अच्छा है। एंड आई होप आज आपको फिबोनाची बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपने रिट्रेसमेंट को बहुत अच्छे से समझा। तो फाइनली आप लोगों को ये वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा कॉमेंट करके जरूर बताएगा, एंड थैंक यू सो मच नितिन जी फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। सो आई होप आज इस वीडियो से आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट कंप्लीटली समझ आ गया होगा। अभी भी आपके बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, तो उन डाउट्स को कमेंट्स में पूछिएगा, हम ट्राई करेंगे अगली अपकमिंग वीडियोस में आपके डाउट्स को क्लियर करते हुए वीडियो बनाने की। फाइनली इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। SMC ऑटो ट्रेडर और जो सर का टेलीग्राम ग्रुप है, उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो आप जब क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ऑफर्स के बारे में। सो फाइनली अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली एक भी आप पावरफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मिस ना करें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।